पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर जगत राम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पीजीआई की तरफ से जो कोरोना के सैंपल भेजे गए थे उनमें से 70% यूके स्ट्रेन के केस पाए गए हैं, जिसमें स्प्रेड सबसे अधिक होता है। यह पिछले कोरोना के स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा फास्ट स्ट्रेन है और यह बड़ी तेजी से फैलता है। उन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाना और प्रोटोकॉल को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए पैनिक होने की बजाय प्रोटोकॉल को फॉलो करें। बिना आवश्यकता के भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को नियमित रूप से सैनिटाइजर से अथवा साबुन से धोते रहें। डायरेक्टर ने बताया कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन इस समय फैल रहा है उसकी पीक मई के अंत तक और जून के मिड तक आ सकती है, इसके बाद इसका फैलना कम होना शुरू हो सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और वैक्सीन की दोनों डोज के बाद कोरोना फैलने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है, इसीलिए पैनिक होने की बजाय वैक्सीनेशन करवाएं और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अपना वो अपने आसपास के लोगों को कोरोना से फैलाने से बचाए। सर, जो पीजीआई से सैंपल भेजे गए थे नए स्ट्रेन जो आया है, क्या रिपोर्ट आई है सर? जो सैंपल NCDC न्यू दिल्ली भेजे गए थे उसमें जो 70% जो स्ट्रेन आया है वो यूके स्ट्रेन आया है, जो कि एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है, और 20% 681H म्यूटेंट आया है, वो भी रैपिडली स्प्रेडिंग स्ट्रेन है। तो पिछले वाले के मुकाबले देखा जाए तो कितना खतरनाक है सर? खतरनाक जो इन्वॉल्वमेंट इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, इन्फेक्शस है और सभी एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। 2020 में जो स्ट्रेन था वो एल्डर एज ग्रुप को ज़्यादा इन्वॉल्व करता था और जिनको कोमोर्बिडिटी थी उनको भी इन्वॉल्व करता था, पर जो ये वाला स्ट्रेन है ये सारे एज ग्रुप को इन्वॉल्व करता है और इसमें स्प्रेड भी काफ़ी फास्टर है। सर, देखा जाए तो ये इस समय पीक वर्ष है, पीक समय है या आने वाला समय भी काफ़ी गंभीर होने वाला है? जो पीक कहना तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए 4 तारीख को अप्रैल को 1,03,000 पेशेंट थे, 1,03,000 थे, अब वो डबल से ज़्यादा हो गए, तो जब तक वो रफ्तार थमेगी नहीं तब तक पीक कहना मुश्किल होगा, पर उम्मीद है कि नेक्स्ट मिड मई में इसकी पीक आ सकती है या अर्ली जून में, फिर लगता है कि स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। इसके सर सिम्टम क्या है, क्या पता लग पाता है? सिम्टम तो लगभग जैसे पुराने स्ट्रेन के हैं, जैसे कि हेडेक है, फीवर है, गला खराब का होना है, या कई लोगों को रेस्पिरेटरी सिम्टम, सांस की भी प्रॉब्लम आती है, लगभग सिमिलर ही है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। जब तक इसको जांच ना की जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि ये यूके स्ट्रेन है या नहीं है। सर, पीजीआई में किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं मरीजों के लिए, प्रिकॉशन क्या क्या लिए? हाँ, देखिए जो पीजीआई में है हमारे पास तो दोनों तरह के पेशेंट आते हैं, नॉन कोविड के भी पेशेंट है, ज़्यादा तो नॉन कोविड के पेशेंट है, 1500 पेशेंट हमारे पास नॉन कोविड के हैं और 180 के करीब वेंटिलेटर पे भी नॉन कोविड के पेशेंट है, एमरजेंसी हमारी फुल है, और कोविड में 300 में से 222 पेशेंट हमारे मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है, जो काफ़ी सीरियस जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास है। सर, जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया है क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? अभी तक तो जो लॉकडाउन है वो नाइट का लॉकडाउन है, वीकेंड का लॉकडाउन तो नहीं है, पर ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि वो वीकेंड का पर्टिकुलरली डे टाइम का लॉकडाउन करेंगे या नहीं करेंगे। पर्सनली मैं तो ये समझता हूँ कि नाइट टाइम का लॉकडाउन तो फिर भी ठीक है, डे टाइम का आई थिंक प्रोटोकॉल जो फॉलो करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वैक्सीनेशन को लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, वैक्सीनेशन के बाद भी देखा जा रहा है काफ़ी लोगों में दोबारा से आ रहा है? वैक्सीनेशन के बाद में देखिए, जैसे पहला इंजेक्शन लगता है तो उसमें उसके बाद में भी हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जो दूसरा इंजेक्शन लगता है आमतौर पे 6 से 8 हफ्ते के बाद में लगता है, उसके जब सेकेंड इंजेक्शन लगेगा तो उसके दो हफ्ते बाद काफ़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है, पर अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, इन बिटवीन जब एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है तो इन्फेक्शन हो सकता है। पर जब दोनों सक्सेसफुली इंजेक्शन लग जाएंगे
उसके बाद में वैसे तो कोविड-19 कोरोना वायरस नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो जो सिम्टम्स होंगे माइल्ड होंगे और डिजीज भी काफ़ी माइल्ड रहेगी। सर जो ये कपड़े के मास्क लगाते हैं लोग, उसको मतलब वो स्केयर है कि नहीं? देखिए आम जनता जो है जैसे गांव में कपड़े का मास्क लगाती है, तो कम से कम ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि वो मास्क लगाती हैं, पर जहां तक ये जो नया स्ट्रेन आया है तो हमें चाहिए कि जैसे 3 लेयर्ड मास्क जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है, तो ये काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। डॉक्टर साहब एक और है जो स्ट्रेन जो नया है, लोगों में वहम है कि ये नया स्ट्रेन वैक्सीन पे उतना असरदार नहीं है, इसलिए कई लोग वैक्सीन लगवा भी नहीं रहे। नहीं नहीं वो तो आई थिंक सोचना गलत होगा, क्योंकि चाहे हमारी कोई भी वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड है, चाहे कोवैक्सीन है, चाहे वो फाइजर की वैक्सीन है, चाहे कोई भी वैक्सीन है, वो लगाना तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये तो भ्रम होगा लोगों का, ऐसा सोचना भी भ्रम होगा, और हमें डेफिनेटली वैक्सीन लगानी चाहिए, इसका कोई ख़तरा नहीं है और इफ़ेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है, अगर नहीं लगाएंगे तब तो कोरोना से नहीं बच पाएंगे। डॉक्टर साहब जिस तरह से लोगों में माहौल पैनिक हुआ हुआ है, आप कोई संदेश देना चाहें? पैनिक तो मैं तो यही समझता हूँ कि पैनिक होने की बजाय अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, जिसको कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, मास्क को लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और फ्रिक्वेंटली हाथ को साबुन और पानी से वॉश करेंगे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। साथ साथ में क्राउड में हम ना जाएं, अननेसेसरी ट्रेवल ना करें, जब जाने की आपको ज़रूरत नहीं कहीं बाहर तो ना जाएं, और साथ साथ में वैक्सीनेशन करें। जब इतनी चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक कोरोना को हम हरा सकते हैं। डॉक्टर साहब यदि मरीज बढ़ते हैं? ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।